दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है लाइव इन टॉक शो में। मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी आपका स्वागत करता हूं। माइंड योर माइंड पावर, दोस्तों यही आज का सब्जेक्ट है, अपनी मन की शक्ति को समझे। क्योंकि माइंड एक ऐसा चीज है हमारे सिस्टम में कि यदि आप अपने माइंड पावर को लूज कर जाते हैं तो समझो आप लाइफ को ही लूज कर गए। अगर आपने लाइफ की जंग जीतनी है, आपने हारी हुई बाजी जीतनी है, तो आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना पड़ेगा, ब्रेन स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके बगैर आप कोई भी सक्सेस नहीं हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना पड़ेगा। माइंड एक ऐसा होता है कि हर चीज की मैनेजमेंट करता है, और उस मैनेजमेंट को, माइंड के मैनेजमेंट को आज समझेंगे हम बहुत डिटेल में। हमने आज अपने शो में इन्वाइट किया है वर्ल्ड की रिनाउंड पर्सनैलिटी एंड सेलिब्रिटी डॉक्टर अनु मेहता जी को। अनु मेहता जी का बहुत बड़ा लंबा हिस्ट्री रही है, और उन्होंने जिस तरह से अपने माइंड को मेक किया है, बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से पर्सनली जानता हूं और उनके लाइफ के उतार चढ़ाव से भी मैं वाकिफ हूं, इसीलिए मैंने आज उस टॉपिक के लिए उनको चुना है कि उनके बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे कि आप खुद देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने माइंड को मैनेज किया है, कैसे उनका मैनेजमेंट रहा है, कितने माइंडली स्ट्रांगली वो अपना स्ट्रांगली उनको सारी चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है। अनु मेहता जी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ मैं जरूर यहाँ पर आपको देना चाहूंगा। अनु मेहता जी 2008 में मेटा हेल्थ मास्टर की फर्स्ट इंडिया ट्रेनर बनी थी। इसके बाद इंटरनेशनल स्पीकर हैं, पीएचडी फिलोसफी हैं, अपना ऑथर हैं, बेसिक अबाउट मेटा हेल्थ के बारे में उन्होंने बुक लिखी है जो काफी हिट हुई है, ट्रेनर इन वेलनेस है, ग्रैंड रेकी मास्टर्स हैं जो कि चेक रिपब्लिक में वो रेकी करती थी। इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज में उनकी मास्टर है। अगर आप, मैं उनको हिस्ट्री बताऊं, आप उनके अगर पिक्चर्स को देखें, उनके प्रोफाइल को देखें, कि यू विल फील वेरी प्राउड कि कहां कहां उनका जो है रिलेशन था, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को, स्ट्रगल लाइफ को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और वो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय भी करती थी। हर जगह आप देखेंगे उनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, काफी बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने किया, सोशल, बहुत सोशल वर्कर हैं, लायंस क्लब में या आप कहीं भी आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। लाइफ के जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, आप देखें कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया है, तो आप अमेजिंग पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में, हमारे यहाँ साथ में रहेंगी। उनके लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ वो हमें गाइड करेंगी कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को रिवोल्व किया है, और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया है। तो यही सब करते हुए मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की हमारी एंकर, कीनोट एंकर डॉक्टर अनु मेहता। अनु मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इन टॉक शो में। थैंक यू लक्ष्मण फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, मैं ऐसे पर्सनली आपको बहुत टाइम से जानता हूं और काफी सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, और आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। जितना मैं जानता हूं, आई रियली, यू आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द वुमन एम्पावरमेंट। आपने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया है, जिस क्राइसिस से आप निकले हैं और फैमिली को आगे निकाला है, और बच्चों के लिए पूरा आपने डेडिकेशन आपका रहा है, फैमिली को भी आपने देखा, और हर जगह हर रिलेशन को आपने पूरा मैनेजमेंट वो किया है, तो इसमें जो पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री हमारे दर्शकों को आप इसमें बताएं, ताकि हमारे दर्शकों को भी इस माइंड पावर, क्योंकि इसके पीछे जहां तक मेरी आपसे कन्वर्सेशन हुई है उसमें आपने जो माइंड पावर के का जो मैनेजमेंट किया है, कैसे अपने माइंड को आपने स्ट्रांग किया है, कैसे इन चीजों को, सिचुएशन को आपने हैंडल किया, उसके बारे में जरूर आपसे जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों को। थैंक यू लक्ष्मण फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ये शायद मैं बहुत कम किसी के साथ शेयर करती हूँ, तो अगर कहीं बीच में अटक जाऊं तो मुझे माफ कर देना। अपनी लाइफ के बारे में बोलना आसान नहीं होता। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस सहे। 6 साल की थी जब मैंने, मेरी माँ बाप से मुझे सेपरेट कर दिया गया था, क्योंकि मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आई थी। तो मॉम एक बिजनेस फैमिली में से थी, और मेरे डैड का बिजनेस उस टाइम बिल्कुल क्रैश हो गया था। उन्हें अपनी मेरी बहन को लेके उनको वापस बॉम्बे आना पड़ा। तो मेरे नाना नानी ने डिसाइड किया कि वो मुझे रख लेंगे। मुझसे पूछा नहीं गया था कि आप
हमारे साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने नाना नानी से, अभी तो दुनिया में नहीं है, और मेरे मामा मामी से जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा, पर वो एक पूछना होता है ना, वो कभी नहीं हुआ। जब भी वापस आती थी बॉम्बे, तब एक मेरे अंकल थे, मेरे पापा के अंकल जो 60 साल के थे होंगे उस टाइम, काफ़ी सेक्सुअल अब्यूज उनकी तरफ से हुआ, और वापस जाना तो नाना नानी का घर बिल्कुल सेफ था, वापस मम्मी के पास आना सेफ नहीं था, क्योंकि जब भी बॉम्बे आए तो हमें उनके घर ले जाया जाता था, और मेरी मॉम ने ये देखा नहीं, और मैंने ये कभी जाहिर ही नहीं किया कि कुछ ऐसा हुआ है। और उसके बाद 12 साल तक ये चला, बट आई लॉस्ट द मेमोरी ऑफ दैट दिस इज हैपेंड। कुछ लम्हे याद आते थे, पर प्रॉपरली क्या हुआ ये मुझे कभी भी प्रॉपरली याद नहीं आया। व्हेन आई टर्न्ड 40 एंड 2008 में फिर से क्राइसिस स्ट्राइक किया, इसी तरीके से जिस समय अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है, उस समय रिसेशन चल रही थी, और रिसेशन के वक्त हमें इंडिया वापस आना था, क्योंकि डिपार्टमेंट शटडाउन हो गया था जहाँ विक्रम काम करते थे। हम लोग चेक रिपब्लिक में थे उस समय। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कोई देखी जाए तो वो थी प्राग, और सबसे सुंदर घर तो वो था मेरा, और सबसे वार्म घर जहाँ पे हमेशा हंसी की आवाज़, चहल पहल, और उसके अलावा एक अपनापन हमेशा वहाँ रहा है। और वो घर मेरा नहीं था, क्योंकि वो बैंक का दिया हुआ घर था। विक्रम सिटी बैंक में काम करते थे और सिटी बैंक की सीटी बज गई थी। उसमें जो मेरी और मेरे खानदान की हालत ये हुई कि हमने डिसाइड किया कि हम वापस वहीं पे रहेंगे जब तक बच्चों के पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो जाती। बेटा मेरा उस टाइम 10th ग्रेड में था। जॉब का चले जाना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, और मेरे ऊपर मैं काम करती थी पर मेरे ऊपर फैमिली डिपेंडेंट नहीं थी, फैमिली डिपेंडेंट थी विक्रम के ऊपर। सिर्फ मैं ही नहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, बच्चे भी उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। उसके साथ साथ हमारे लाइफ में अगर देखा जाए तो उनकी मम्मा है, मम्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी, बहनें हैं, तो जब परिवार होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, प्यार होता है, और उस प्यार में हम एक दूसरे को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। पर जब क्राइसिस आता है ना, तब कुछ भी समझ में नहीं आता। बस वही एक स्टेट थी जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसमें मुझे याद है 6 दिसंबर को हमने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया वापस आएंगे, क्योंकि कोई जॉब नहीं मिल रही थी वहाँ पे, कुछ हो नहीं रहा था। इस समय हमारे दोस्तों ने जो प्राग में थे उन्होंने हेल्प करी, और हमें परमानेंट रेजिडेंसी लेने में हेल्प करी गई। और एक्चुअली तो रियलिटी में यह है कि 6 दिसंबर को मैंने एक पार्टी करी थी जहाँ पे अनाउंस किया मैंने बड़े लाउडली कि मैं वापस नहीं जा रही हूँ, और रियलिटी ये थी कि हमारा सामान पैक हो चुका था और हमारे जाने की टिकटें आ चुकी थी। 25 दिसंबर को मैंने लोगों को बुलाया कि पैकिंग होगी, लोग दिवाली और मतलब क्रिसमस मना रहे थे और हम लोग अपना सामान पैक कर रहे थे। सुबह उठी तो ट्रैम्पोलिन एक बाहर जिसके ऊपर बच्चे कूदते हैं वो मेरे गार्डन में थी, वो मैंने उठा के किसी को दे दी कि आप ये ले जाएं। ऐसे ही सामान बांट रही थी मैं, और विक्रम उठ के आए और मुझे आके बोलते हैं कि तुम नहीं जाना चाहती ना यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। बच्चों को देखा तो उनको पूछा, यू डोंट वॉन्ट टू लीव? दे सेड नो, वी डोंट वॉन्ट टू लीव। तो विक्रम ने कहा, मैं सोच लिया है कि तुम लोगों को यहाँ से नहीं निकालूंगा। उस दिन पैकर्स पैक कर रहे थे, हमने पैकर्स को बंद कराया पैकिंग करने से और कहा कि आप घर जाओ, हम यहाँ से नहीं जा रहे। परमानेंट रेजिडेंसी नहीं थी हाथ में, उसके बावजूद वी स्टेड बैक ओवर देयर। एंड जैसे कहते हैं ना कि वाकई पूरी की पूरी कायनात आप तक उठ के आती है और सब कुछ बदलता है, मैंने वो होते हुए देखा है। हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे घर का रेंटल हाफ कर दिया, मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिली वहाँ की, और मैं वहाँ रही 1 साल और। विक्रम को जॉब मिली, वो वापस इंडिया आए और उन्होंने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में उनको काम मिला, बच्चों की पढ़ाइयाँ कंप्लीट हुई, पूरा 1 साल मैं वहाँ रही। और ये पॉसिबल ही नहीं था होना,
लेकिन उस दिन जब मैंने कहा कि मुझे रहना है और ये निश्चय कर लिया, उसके बाद खुदा भी नीचे उतर के उसने मुझे मेरी जिंदगी एक साल के लिए और बच्चों के साथ दी। वापस आए इंडिया, इंडिया वापस आई तो स्वाइन फ्लू चल रहा था। 10 दिन के अंदर मेरे फादर ने ही ऑलमोस्ट डाइड, ही वॉज इन अ पूल ऑफ ब्लड। आई वॉज कॉल्ड फ्रॉम होम कि आके देखिए मुझे, एक्चुअली बच्चों ने कॉल करके बोला नानू चले गए हैं दुनिया छोड़ के। मैं जब तक वहां पहुंची तो मैंने देखा कि 3 मेड्स ने मेरे फादर को पिकअप किया हुआ है और मेरी मम्मी रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि उनको होश ही नहीं है, उनको लगा वो गए। और हमने उनको उठाया, एम्बुलेंस में डाला और उनको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले गए। 10 साल जिए हैं उसके बाद मेरे डैड, और हर रोज उनको खुश करने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी है। तो मेरी जर्नी जो थी ना ऊपर नीचे चल रही थी, पर इसके बीच में काम कभी नहीं रुका, काम हमेशा करती रही हूँ मैं। और हमेशा एक ही दिमाग में आया कि खुदा अगर काम भेज रहा है तो शायद उसके साथ हिम्मत भी भेजेगा कि उसको करना कैसे है। 24 आवर्स 48 आवर्स मेरे लिए कुछ नहीं थे, मेरे लिए सिर्फ ये था कि इन बच्चों को सिक्योर कैसे करना है। विद इन नेक्स्ट 15 डेज माई चिल्ड्रन हैड लेफ्ट फॉर द हॉस्टल। दोनों को इकट्ठे भेजा था ताकि एक को ना लगे कि दूसरे की दूसरे को मैंने अटेंशन नहीं दी या उसके साथ पार्शलिटी करी है। अभी लुकिंग बैक आई ऑलवेज से एजुकेशन को शायद मैंने ज़्यादा मतलब दिया और इमोशनल अटैचमेंट को इतना मतलब नहीं दिया। काफ़ी उदासी हुई, बच्चे चले गए, मैंने अपने काम में अपने आप को पूजा की तरह उसके अंदर इतना क्रिएट किया कि जब मैं बॉम्बे आई थी तो किसी को मेटा मेडिसिन के बारे में पता भी नहीं था। मेटा मेडिसिन के बजाय बोलते थे आप मेहता मेडिसिन की बात कर रहे हो। आज 11 साल के बाद वी हैव ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स इन द सेम प्रोग्राम। एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और विक्रम की इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। इनफैक्ट पढ़ने के लिए उसके बाद मेरी जो पढ़ाइयाँ शुरू हुई, मैं UK गई, इजिप्ट, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, USA, यू नेम द प्लेस एंड आई वॉज देयर। इजिप्ट, एस्टोनिया, रिमोट जगहों की भी बात करें तो मैं वहाँ पहुँची हूँ। किसी भी चीज़ को कभी ये नहीं सोचा कि ओहो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई करती रही हूँ और आज भी पढ़ाई कर रही हूँ। एज वी स्पीक राइट नाउ आई एम लर्निंग न्यूरोग्राफिक पेंटिंग्स फ्रॉम क्रिस्टा हु इज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन पे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 लोगों का ग्रुप बनाया है और फर्स्ट टाइम न्यूरोग्राफिक पेंटिंग्स इंडिया में आ रही हैं। तो बस पढ़ते गए और काम करते गए। बच्चे हॉस्टल में पढ़े, आज मेरी बिटिया ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं, LSE में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर रही हैं। बेटा अपना बिजनेस चलाता है मॉन्ट्रियल की यूनिवर्सिटी से, वो उसने अपनी ग्रेजुएशन करी है। विक्रम इज़ बैक ऑन हिज फीट, ही इज़ डूइंग, ही इज़ रनिंग अ बिजनेस विद 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एंड या वक्त आता है खराब, और शायद उस वक्त खराब में बहुत बुरा हाल होता है इंसान का। कई बार तो ये भी मैंने देखा मेरे फैमिली मेम्बर्स को कहते हुए कि और नहीं जीना है, लेकिन पता नहीं, शायद मैंने मेरे डैड और मॉम को कभी हार मानते नहीं देखा था, उनको कभी झुकते ही नहीं देखा था। मेरे डैड को मैंने जब भी काम करते देखा ना तो खुशी से काम करते देखा, और बहुत बीमार थे तब भी मैंने उनसे कभी नहीं सुना कि मैं मरना चाहता हूँ, लास्ट डे तक नहीं सुना कि मैं मरना चाहता हूँ। तो नाउ आई वॉज सिलेक्टेड एज द चेयर लेडी, एज द फर्स्ट इंडियन हु वाज सिलेक्टेड एज द चेयर लेडी फॉर मेटा हेल्थ इंटरनेशनल। एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एक्चुअली कि वो जो टाइटल उन्होंने उस वक्त दिया मुझे जब मेरे फादर अपनी जिंदगी से जाने की उनका टाइम आ रहा था, जब उनको ये पता लगा कि अनु चेयर लेडी हो गई है, ऐसे खुशी से उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा यू आर माई स्टार, आई लव यू अनु। वो लव्स, वो एहसास किसी भी पैसे से ज़्यादा होता है। एंड फॉर मी माई वर्क इज नॉट वर्क, इट इज़ फॉर मी एवरीथिंग, इट इज़ फॉर मी पूजा, इट इज़ फॉर मी putting myself there because the universe gave me a chance. So I stood by and said, I will give myself a chance. I will give my family a chance. So that's my story. Thank you.
Wonderful, ma'am. Really, you are the great inspiration for the millions, I'm sure. मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज बहुत कम, बहुत यानी कि आप में बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर और अपनी इन बातों को शेयर करना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन अनु मैम, शी इज वेरी बोल्ड पर्सन, आप किसी भी टॉपिक पर आप उनसे बात करें बहुत अच्छे। उनके मैंने बहुत सारे शो किए हैं, खुद मैं पर्सनली मैम के साथ कई सारे वर्कशॉप सेमिनार अटेंड किए हैं और कराए हैं उनके साथ मिलके, और प्लस वो इंटरनेशनली बहुत वेल नोन पर्सनलिटी हैं। आप चाहे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करें, माइंडसेट के बारे में बात करें, मेटा हेल्थ के बारे में बात करें, आप साउंड हीलिंग की बात करें, कौन सी ऐसी थेरेपी है जिनके बारे में वो बोलने की बात नहीं करती है, हर चीज की। आज भी हम इस टॉपिक पर, आपकी अभी कोई समस्या है तो प्लीज बोल्डली आप शेयर करिए। अब मैम के साथ आप करेंगे डेफिनेटली, जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैम का अपनी फिजिकल लाइफ के अंदर रहा है, उसके अलावा साथ में जो उनकी जो टेक्निक्स है, जो इन्होंने जो एक्सपीरियंस पूरे उसमें थेरेपी उसमें लिया है, उसको कंबाइन करके जो आपको आंसर्स करेंगे, डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ, दैट आई एम श्योर। सो मैम, आपने मेटा हेल्थ का वो किया, आपने चेक रिपब्लिक में भी काम किया है मैम उनका, आई थिंक यू आर द रेकी ग्रैंड मास्टर, और आपने वो चेक रिपब्लिक के लिए भी काम किया, तो वहां आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वहां आप क्या करते थे? सर, जब मैं वहां पहुंची तो मुझे विक्रम ने कहा, इनफैक्ट मुझे नाम भी बोलना नहीं आता था प्राग का। हम इंडियंस उस टाइम, हमारे लिए ये बहुत नई चीज थी प्राग, कोई प्रेग बोलता था, कोई परहा बोलता था, कोई कुछ बोलता था। पहले तो मेरे दोस्तों ने बैठ के मुझे कैसे कहते हैं प्राग वो बोलना सिखाया, और जगह ऐसी कि -35 डिग्री तक जाता था और बिल्कुल स्नोफॉल मार्च महीने में भी हो जाती थी, मतलब कि इतनी बर्फ बाहर और इतना कोल्ड बाहर कि लोगों ने कहा था कि तू यहाँ पहुंच के तू मर जाएगी, और मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। जितनी बाहर ठंड थी उतनी गर्माइश मेरे दिल में और उतनी गर्माइश घर के अंदर थी। चेक रिपब्लिक में मैंने जाने से पहले मुझे किसी ने कहा कि बेटे तू यहाँ आ रही है, एक काम कर, कुछ सीख ले, तो रेकी की क्लास अटेंड करी और सीखी और रेकी ग्रैंड मास्टर बने। पहुंचे वहां पे तो कैजुअली बैठी थी, तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्राग में वहां से एक टीचर मिल्का करके उनका नाम था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि मेरी बेटी दिव्या ने जाके कहीं क्लास में बोला होगा मेरी मॉम रेकी करती है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि क्या आप सिखाएंगे, और मैं उनको देख के हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा सिखाना, आप ये देखिए 500 क्राउन्स, वहाँ पे क्राउन्स का मतलब है 3 times हमारी दादा, मतलब इट वुड बिकम 1500 इंडियन रुपीस, 500 क्राउन्स। 500 क्राउन्स से मैंने वर्कशॉप शुरू करी थी 1-to-1, जिसमें खाना मिलता था इंडियन लोगों को जी। पूरा दिन मेरे पास लगा के जाते थे, और जब मैंने वो जगह छोड़ी तो मैंने काउंट नहीं करती थी कि वो कितने डाल के गए हैं मेरे डब्बे के अंदर। मुझे खुदा ने हमेशा मेरा डब्बा भरा रहा और हमेशा मेरा घर खाने की खुशबू और पढ़ाई के साथ चलता रहा। एंड में तो ये हाल था कि मेरी एक दोस्त हैं ज्योति कोठारी, जो आज भी ऑस्ट्रिया में रहती हैं, वो पूरा एक ट्रक भर के, उनको मैं ट्रक बोलती होती थी क्योंकि उनके पास बड़ी गाड़ी थी, उसके अंदर मेरे दोस्तों को डाल के, और दोस्त मतलब हर रंग के दोस्त थे मेरे, हर रंग के दोस्त थे जिनको मेरी भाषा नहीं समझ में आती थी या मेरी इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, तो वो लोग अपना ट्रांसलेटर साथ में लेके आते थे। फंक्शोई सिखाई, रेकी सिखाई, जो मुझे आता था, पेंडुलम डाउजिंग जो मुझे उस टाइम आता था, सारा कुछ सिखाया वहां पे बैठ के, और इतना मजा मुझे कभी जिंदगी में नहीं आया होगा। ऐसे लगा जैसे मैं मेरे घर पहुंची हूँ। एक बार कभी कभी होता है ना कि लोग आपको कहते हैं ये जगह आपको सूट नहीं करेगी, और मुझे तो ही मेरा घर ड्रीम्स में नजर आया था। मैंने विक्रम को जाने से पहले कहा था कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ, उसको मैंने कहा था कि आवर हाउस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब कोई बोलेगा मूर्ख की औलाद कि तू पुराग जा रही है और तू बात कर रही है कि चाइना की। अभी पता क्या था कि जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऐसे टर्न अराउंड है, ऐसे ही मेरे घर तक पहुंचने वाला जो रास्ता था, पहाड़ी इलाका था, वो बिल्कुल ऐसे टर्न अराउंड था, बिल्कुल स्नेक की तरह। वहां पहुंचो तो घर के पास खेत थे, जैसे आपके पंजाब में अंदर खेत होते हैं ना सरसों के, ऐसे ऐसे घर के साथ बिल्कुल स्टैंड अलोन हाउस के पास
पूरा का पूरा फील था और ये मैंने अपने ड्रीम में देखा था. तो आई हैव अ फीलिंग दैट आई हैड अ कनेक्ट विद दैट प्लेस फ्रॉम मे बी पास्ट लाइव्स, फ्रॉम मे बी कुछ तो था ऐसा, कुछ तो था जो बिल्कुल रूह को टच कर गया. थैंक यू जी. वाह मैम, सुपर. आपका तो बहुत, यानी कि आपका प्रैक्टिकली आपको अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, प्लस जो आपने जितनी भी थेरेपीज से एक्सपीरियंस लिया है, आपने सीखी है और लोगों की हेल्प की है उसमें सिखाने, रियली दैट अमेजिंग. एंड आई एम श्योर पीपल विल गेट बेनिफिटेड ऑफ व्हाट इफ. और सारा जो एक्सपीरियंस है आप इंडिया में लेकर आई और वहां पर भी आपने कहा, आई नो कि जैसे मेटा हेल्थ को लेकर आप स्टार्टिंग में आई थी और दैट वॉज योर स्ट्रगल टाइम, और उस स्ट्रगल टाइम में आपने जिस हिसाब से इंडिया में अपने आपको स्टैंड किया है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का वो डेफिनेटली वो आपके वहाँ से अलग होगा, तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि जब आप इंडिया में आए तो कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्योंकि ये टोटली एक माइंड सेटअप. मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक माइंड सेटअप है आपका, कि माइंडसेट आपका बनाया आपने वहां से यहाँ चेंज करना, यहाँ पर अपना स्ट्रगल किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग हथियार डाल देते हैं, लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन आपने सरेंडर नहीं किया. आई नो पर्सनली कि आपने किस तरह से फाइट किया, इतनी कन्वर्सेशन आपके साथ हुई, 3 साल हम लोग फोन पे ही बात करते रहे और सारा चीज हुआ, तो शायद 3 या 4 साल बाद हम लोग मिले थे मुंबई में, तो इस बिटवीन आपके साथ जो मैंने आपसे समझ पाया मैं आपको, रियली दैट वेल इज वेरी इंस्पायर स्टोरी. नो प्लीज उसके बारे में आप बताएं कि इंडिया में क्या स्ट्रगल रहा. ऐसा हुआ था जब लास्ट डेज, जब विक्रम का जॉब जा चुका था, उसके बाद वो इंडिया आए और उसके बाद मैं विक्रम के बिना वहाँ पे 1 साल रही. मैंने कभी जिंदगी में कार नहीं चलाई थी, कार चलानी सीखी, घर को अकेले मैनेज करना सीखा विदाउट अ हस्बैंड, और बच्चों को और घर को कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई. एक ही चीज सोची थी कि जिस तरीके से यूनिवर्स ने सपोर्ट किया है, अगर कोई भी मेरी जगह पे हुआ तो उसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी. मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, पर मेरे दोस्त वहां पे कई बार रात को आके अपनी गाड़ी मेरे घर के बाहर पार्क कर देते थे, क्योंकि जब वो इतने दुखी होते थे तो उनको लगता था वहां बस वहां बैठने से सुकून मिलेगा उनको. और ये मुझे मेरे जाने वाले दिन बताया गया, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये सब हो रहा है. लोग किसी भी वक्त मेरे घर उठ के आ सकते थे, they were allowed. I used to get calls like, क्योंकि उस समय सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हो रहा था, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ ये हो रहा था, और हो ये रहा था कि लोग अपने आप को शूट कर रहे थे और हाई पोजीशन पे अपने आप को शूट कर रहे थे, they were dying and there were people who were saying I can't live without money, I'm going to jump. तो मैंने उनका एक ही सवाल का जवाब बोलती होती थी, अगर आपने जंप करना है तो फोन नीचे रखो और जंप कर जाओ, क्योंकि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने मरना ही है आप ना तो मुझे पैसे दोगे और आप मर भी जाओगे, लास्ट आपने मेरे से बात करी है मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे, ऐसे करो फोन नीचे रखो. और इनवेरेबली ये कहने के बाद कोई अपना फोन नीचे नहीं रखता था और इनवेरेबली अपनी खिड़की से उतर के नीचे आ जाते थे लोग और मरने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था. इतने लोगों को मरते हुए देखा कि सोचा अगर जी के देख ले तो क्या होगा. बस जिस दिन आ रही थी उस दिन मेरी फ्लाइट इस्तांबुल से आ रही थी और फ्लाइट इतनी भाग भाग के पकड़ी क्योंकि हमारी फ्लाइट मिस हो जानी थी, तो लिंकिंग फ्लाइट वाज फ्रॉम इस्तांबुल. घर पहुंचे तो जहां से मैंने शुरू करी थी जर्नी वो -35 थी, जहां मैं पहुंची थी वो +35 था, बस 70 डिग्री का फर्क था, ज्यादा नहीं. हां जी, यहाँ आई तो सबको कहती थी गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू, लोगों ने जवाब ही नहीं देना. घर पे वर्कर्स लगे हुए थे, हाउ आर यू, लोगों ने जवाब ही नहीं देना, काम ही नहीं करना. फिर मुझे पता लगा कि ये ट्यूनिंग मेरी गलत है, तो लोगों से फिर मुझे बदतमीजी से बात करनी पड़ी, तो उनको समझ में आया, विच इज रियली सैड, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग हमारी शायद इस तरीके से हम शायद लोगों के साथ ट्यून करते हैं और जगह हमारे साथ ट्यून करती है. वापस आने के बाद एक ही चीज समझी कि इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. एक ही एग्जांपल था, मैकडॉनल्ड यहाँ जब आया था पहली बार तो उसे बाहर किक आउट कर दिया गया था. मेटा हेल्थ को अगर मुझे इंडिया लेके आना है तो उसकी वोकैबुलरी अलग होगी, उसका उसकी सीख अलग होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर के अंदर चटनी डाल के दी थी और बिल्कुल बीफ का ऑयल नहीं यूज किया था. ऐसी काफी चीजों को ड्रॉप करना पड़ा और यहाँ की इंडियननेस को समझना पड़ा. उसके साथ भाषा बदली और कई बार क्लासेस चार चार लैंग्वेजेस में होती थी, मतलब एक ही टाइम पे
रेणुका राव होते थे जो कन्नडा से बात करते थे, तमिल में बात करते थे, मुझे नहीं आती थी इतने अच्छे से, और मेरे को पंजाबी, हिंदी, मराठी आती थी और इंग्लिश आती थी। ये सब को मिला के हमने बहुत अच्छे से क्लास चलाई, बहुत अच्छे से मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े रहे, और इस दोस्ती में कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों की रही है। बहुत लोगों ने उल्लू भी बनाया, बहुत लोगों ने साथ भी दिया। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, अगर कोई कहे कि मैं तुझे बना दूंगा, तू मुझे इतने पैसे दे दे, मैं तुझे खड़ा कर दूंगा, तो उसे प्लीज अपने घर के बाहर खड़े कर देना, क्योंकि आपको वो कुछ भी बना के जाएगा, आपका उल्लू बना के जाएगा। पहली जो एड दी थी ना मैंने, पहली जो एड दी थी बॉम्बे टाइम्स में, उसके लिए मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे, इतनी छोटी सी एड का मेरा बुद्धू बनाया गया। और उसके बाद पूरी की पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मेरे पीछे भाग रही थी, टिल वन पर्सन केम एंड सेड, आपको पता है आपकी एड का प्राइस सिर्फ 35,000 था, आपने उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए हैं। और वो उस समय जिस समय विक्रम वाज रियली स्ट्रगलिंग, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त होता है ना तो आपका साया भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन एक चीज साथ देती है, अगर आप अपने आप में विश्वास करें और ये बिलीव करें कि दुनिया सिर्फ इन दोस्तों से नहीं चलती है, दुनिया खुदा से चलती है और आपके चाहने से चलती है। अगर आप वहां खड़े रहें अड़के, आपको रास्ता मिलेगा। यू नो व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू गिव अप, पॉज, बिकॉज दैट पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव अप। थकना अलाउड है, गिव अप करना आज भी अलाउड नहीं है, आज भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप गिव अप कर गए तो आप समझिए आप अपनी जिंदगी में, वो क्या कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। आप अपने ऊपर एक एहसान करना कि ये एहसान कभी मत करना कि आप गिव अप कर जाए, क्योंकि गिव अप करना बहुत आसान है, पर एट द पॉइंट ऑफ गिव अप इज द जन्नत स्टैंडिंग। आप एक और कदम लेंगे ना तो खुदा अपना हाथ खुद रख के आपको बचाएगा और वो आपको खुद आके लेके जाएगा। एंड इसका एहसास मुझे एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। आप उनमें से एक थे जिनको मैंने कॉल किया था और आपकी आवाज सिर्फ सुनी थी मैंने, एंड देयर वाज सो मच ऑफ ट्रस्ट दैट आई कुड बिल्ड विद दैट वॉइस। इट देयर वाज सो मच ऑफ अ देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट योर वॉइस एंड आई सेड आई विल ट्रस्ट दिस वॉइस। और वो उसी वक्त था जिस समय मुझे लोग ऑफर कर रहे थे कि 6 लाख रुपए दे दे आप, हम आपको कुछ से कुछ बना देंगे। मैं कहा मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। इसलिए अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, बट वो एक्सपीरियंसेस थे, उन लोगों की गलती नहीं थी। जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे हैं, आई हैव बीन इन डीप ग्रैटिट्यूड। और जो सब लोग खड़े रहे हैं ना, वो खुद बेसहारा थे, उन्होंने मुझे अपने तरीके से सहारा देने की कोशिश करी, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट सहारा टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. Really, it's a great experience with you, and you are really a very amazing personality. और इसमें जो भी आपका experience रहा है, definitely जो उतार चढ़ाव आपकी life में आए हैं, तो mentally आप बहुत ज़्यादा strong रहे हैं, emotionally भी आप बहुत ज़्यादा strong रहे हैं, चीज़ों को handle आपने किया है, क्योंकि इस तरह के जो लोग, क्योंकि life में हर तरह के इंसान होते हैं और आप अपनी life से ही learnings सीखते हैं। कुछ लोग अपने थोड़े से भी परेशानी से लोग हथियार डाल देते हैं, जैसे आपने बोला गिव अप कर देते हैं, और कुछ लोग उसको एज ए चैलेंज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वही लोग कामयाब होते हैं जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उनका माइंड सेटअप उसी में ही होता है। तो आगे मैम इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका मैम कह रहे हैं कि ज्यादा टेंशन होने पर क्या करना चाहिए। ये हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं, पंकज जी सिंह जी बता रहे हैं कि मैम ज्यादा टेंशन होने पर क्या करना चाहिए। पहले तो पंकज जी को टेंशन क्या किस चीज की है ये बताएं, अगर पंकज जी तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ना अक्सर ग्लोबल बात करते हैं, प्रिसाइसली ये कहते हैं टेंशन तो हर इंसान को है आज जी, लेकिन आपको एग्जैक्टली पंकज जी टेंशन किस चीज की है अगर आप खुल के बताएंगे तो आपकी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकेंगे। शुक्रिया। दूसरा मैम यही करते हैं, एज यू नो नाउअडेज टीनेजर्स और एडल्ट आर कमिटेड सुसाइड, सो व्हाट यू योर ओपिनियन अबाउट देम। देखिए सुसाइड के पहले तो पंकज जी का जवाब दे देते हैं, स्ट्रेस में क्या करना चाहिए। स्ट्रेस में पंकज जी सबसे पहले
अगर स्ट्रेस के वर्ड को ही उल्टा कर दें, स्ट्रेस को अगर उल्टा कर दिया तो डेजर्ट्स बन जाता है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्ट्रेस के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार स्ट्रेस लें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा पॉज करें, अपने आप से पूछें कि क्या चीज की आपको स्ट्रेस हो रहा है. आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आपके पैसे चले जाएंगे, क्या जाने वाला है पहले. और एक मिनट के लिए आंखें बंद करके जरा सोचिए, अगर आप गिव अप कर गए तो आपके साथ आपकी कितनी जनरेशंस गिव अप करेंगी. और अगर ये भी आपको ना रोके तो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं आप. एक मैंने कल किसी को बताया था, ये देखिए, ये रहा पिल्लो. हाँ, पिल्लो है, इसे आप फ्रस्ट्रेशन पिल्लो बनाए. यहाँ पे अपना मुंह रखें और जोर से चिल्लाए. क्या मतलब? जितनी फ्रस्ट्रेशन है ना, उसे बाहर निकालना जरूरी है. एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे भी एक्सप्रेस करें, लड़ाई खराब नहीं है. अगर आपने लड़ना है अपने स्पाउस के साथ, लड़ लें, लेकिन एक्सप्रेस करें. जब चुप्पी आ जाती है ना, दैट इज द वर्स्ट प्लेस पॉसिबल. चुप अगर एक बार रिलेशनशिप में सन्नाटा आ गया, उस सन्नाटे को खत्म करना ज्यादा मुश्किल होता है. और अगर आपके दिल के अंदर सन्नाटा आ गया, उसे खत्म करना शायद लाइफ टाइम लग जाएगी. उसके बाद डांस है, गाना है, पेंटिंग है, बी लाइक अ चाइल्ड. और अगर आप लक्ष्मण जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे एक स्पोर्ट जरूर कर लें, चाहे कबड्डी खेलें, चाहे आप बैडमिंटन खेलें, चाहे आप घर के अंदर तू 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 मैं खेलें. कुछ तो करें ताकि लगे कि आप जिंदा हो. बस कॉन्स्टेंटली मूविंग. क्या कहते हैं, बहता पानी ही साफ कहलाए, थम गया पानी जम गई काई. ये गानों में पूरी जिंदगी लिखी हुई है सर जी. हमने काई नहीं जमानी है कहीं भी, हमने आगे बहना है पानी की तरह. और अगर आप बहते जाएंगे पानी की तरह, आपको कौन रोक सकता है? आपको आपके साथ खुदा आके खड़ा हो जाएगा. एंड बिलीव मी, खुदा खड़ा होता है. अगर जिन लोगों को लग रहा है कि खुदा का मतलब मैं शायद मुस्लिम हूँ, मेरा कोई रिलीजन है ही नहीं, सर जी आप कह लो गुरु नानक खड़ा होता है आपके साथ. अगर गुरु नानक नहीं पसंद तो कितने हमारे भगवान हैं. कोई भी भगवान आपके साथ खड़ा है. और वैसे ना, भगवान आपके अंदर है. अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हुए और आपने सुसाइड कमिट कर ली, फिर खुदा बचाए आपके बच्चों को. क्योंकि आप एक रियासत में ना उनको पैसे नहीं दे रहे, उनको ये सोच दे रहे हैं कि बेटा जी, जब वक्त खराब हो तो बहुत सिंपल तरीका है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ऊपर से जंप मार जाओ. देखो एक काम बताती हूँ आपको, अगर आप जंप ही मारने वाले हो ऊपर से, तो सुपरमैन की चड्डी जरूर पहन लेना, ताकि ये लगे तो सही कि आप सुपरमैन की तरह नीचे. जी, आई होप यू गेट माय पॉइंट. मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, पंकज जी कभी कि वो किसी भी चीज में उनको जल्दी टेंशन हो जाती है. तो पंकज जी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एक बहुत अच्छी बात करते हैं, और वो कहते हैं हमारा किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है अदर देन हमारी सांसों पे. हाँ, तो आपकी सांसों पे तो आपका कंट्रोल है, तो ब्रीदिंग कीजिए. और ब्रीदिंग हर रोज अगर आप ध्यान से ब्रीदिंग करेंगे तो दिमाग को भी ऑक्सीजन पहुंचेगी और स्ट्रेस भी कम होगा. काउंसलर ढूंढिए, काउंसलर से बैठ के बातें करें. काउंसलर पे बैठ के बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं. आप ट्यूशन लेते थे ना, बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं कि मैथ्स में सही नहीं है जी, हम ट्यूशन दिला रहे हैं. बड़े रौब से कहते हैं सबको कि हम अपने बेटे को ट्यूशन दिला रहे हैं, हम साइंस में ट्यूशन दिला रहे हैं, मैथ्स में ट्यूशन दिला रहे हैं, उसको फर्स्ट लेके आ रहे हैं. उस काउंसलर का भी काम यही है, आपके साथ बैठेगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको उस उलझन से बाहर निकालेगा और आपको नया तरीका दिखाएगा सोचने का. तो उदास रहने के बजाय अगर आपसे काउंसलर ना मिले तो दोस्तों को बताओ. ये जो राज आपने अंदर छुपा के रखा है, इसमें कोई फायदा नहीं है सर जी. इस राज को छोड़ें और आगे बढ़ें. थैंक यू जी. पंकज जी, आपको थैंक यू कर रहे हैं मैम. सेटिस्फाइड हैं आपके आंसर से, ही इज वेरी हैप्पी. काफी उनका थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, अगर आपके पास भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप यहाँ मैम से पूछ सकते हैं. शी इज अवेलेबल हियर. और बॉम्बे में मैम काफी टाइम आपको हो गया है, आप दिल्ली भी ट्रेवल करते हैं, ऑल इंडिया में आपके वर्कशॉप सेमिनार वगैरह होती हैं, तो आपने यहाँ के लोगों में, जैसे कि जब इंडिया आए तो आपने बताया कि कुछ लोगों ने आपको डिच भी किया, परेशानी भी ही, तो अच्छे लोग बुरे लोग सारे लोग मिले, तो ओवरऑल
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ दिल्ली बॉम्बे, और क्योंकि हर एक का कल्चर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो वो माइंडसेट में आप किसको देखते हैं कि कैसे कैसे आप इसको जज करती हैं? पहले तो लक्ष्मण जी, मुझे लगता है जिंदगी खुद ही आपको प्रिपेयर करती है। जब मैं विक्रम के जी साथ, हम लोग विक्रम बैंकिंग जॉब में हैं थे, तो जब वो जी हर 3 साल के बाद ना उनकी ट्रांसफर हो जाती थी, तो कभी बॉम्बे कभी दिल्ली। मैंने घर ना चारों जगह पे बनाया है, बॉम्बे, चेन्नई विच इज यूज्ड टू बी कॉल्ड मद्रास इन द ओल्ड टाइम्स, जी कैलकटा एज वेल एज मुंबई। तो मुंबई, आप ये देखो, 4 कॉर्नर्स में मैं रह चुकी हूँ। तो कल्चर, जी लैंग्वेज, बच्चों को पढ़ाना, तो ये बहुत एक पार्ट ऑफ द सिस्टम हो गया था। अच्छे लोग जी बुरे लोग हर जगह पे मिले थे, लेकिन मेरी पहली जो ट्रांसफर हुई थी वो दिल्ली हुई थी, और मैंने शायद उस ट्रांसफर को बहुत खराब तरीके से लिया था। मुझे ऐसा लगता जी था काले पानी की सजा मिल रही है मुझे, लिटरली। मुझे दिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैं वहां अच्छा पहुंची और उसकी कल्चर को देख के मैं बहुत रोई थी। जब वहां से हम निकले और चेन्नई के लिए पहुंचे, तो एक ही चीज समझ में आई मुझे कि बेटा, जगह कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगी, लोग कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, लोगों को आपकी जरूरत है ही नहीं। आप जो सोच रहे हैं ना कि जगह आपके साथ एडजस्ट करेगी, लोग आपके साथ एडजस्ट करेंगे, चीजें आपके साथ एडजस्ट करेंगी, ये आपकी बेवकूफी है। आपने जी एडजस्ट करना है, तो हर जगह थैंक यू बोलते जाए, सीखते जाए। मैंने एक बुक रखी हुई थी, जब मैं पहुंची मद्रास तो मुझे बिल्कुल मद्रासी बोलनी नहीं आती थी, तमिल बोलनी नहीं आती थी, 4 भाषाएं हैं, उसमें से तमिलनाडु पहुंची थी मैं। तो हर रोज एक हिंदी में लिखना और इंग्लिश में लिखना और उन तमिल लैंग्वेज को समझना, यहाँ तक कि किसी को पोचा और झाड़ू लगाने के लिए बोलने के लिए तोड़की पेरिकी बोलना पड़ता था। मतलब आप समझो कि कहाँ ओके से आप शुरू करते हो, ABCD। आप इसी तरीके से जी समझो, जॉब जाए, नया बच्चा आए, नई चीज हो, हर चीज को ABCD से सीखना पड़ता है। और आपकी जिंदगी आपकी किताब है। मेरी मॉम कहती हैं, बेटा जिंदगी ऐसी है कि जहाँ पे सिलेबस पता ही नहीं है, हमेशा ABCD से सीखना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए, इसका मतलब ये कि हमेशा खुले रहो, ओपन रहो टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, और हर रोज लाइफ कुछ ना कुछ लाइफ इज नया लर्निंग जिंदगी सिखा बेसिकली के जाएगी, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगी। सिखाती है आपका जरूर एटीट्यूड जरूरी है जरूर कि आप ओपन हैं सीखने के लिए, और हर इंसान आपको सिखा के जाता है। आपको कौन धोखा दे सकता है? आप खुद ही को धोखा देते हैं कि ये आपका दोस्त है। आपकी जजमेंट में प्रॉब्लम थी, उनकी जजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पता था कि ये सामने बिल्कुल वाला बुद्धू है। रिक्शा वाला भी पहचान लेता है कि आप दूसरी गांव से आए हैं, आप दूसरी जगह से आए हैं, और छोटे से छोटा बच्चा समझ राइट लेता है कि आप यहाँ के हो कि नहीं हो। आपको आना चाहिए वहां की भाषा बोलनी, भाषा आपको नहीं उठ के आएगी आपके पास, आपने भाषा तक उठ के पहुंचना है। और जब अगर आपने जी ये कर लिया, तो आपको कोई नहीं मार सकता। आपके साथ अगर खुदा खड़ा है, भगवान खड़ा है, और आप बिलीव करते हैं कि जब तक लास्ट मिनट ऑफ योर लाइफ यू आर यूजफुल। मेरे फादर कहते थे कि मैं अनु यूजलेस हो गया। बोला, क्यों पापा आप ऐसे सोचते हो? कहते, मैं काम नहीं ना कर रहा बेटा। जो इंसान 24 घंटे काम करता था, वो 11 साल सोफे पे बैठा रहा। और उसने मुझे एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी, वो ये थी कि 11 साल में वो मेरे लिए कभी यूजलेस नहीं थे। उनको ऐसे लगता था, उनकी वेरी जी प्रेजेंस वॉज यूजफुल फॉर मी। आप कभी यूजलेस नहीं होंगे, और कभी यूजलेस है ही नहीं। आपके मरने के बाद आपकी हर बॉडी का पार्ट पुर्जा डोनेट कर दिया जा सकता है। अगर आपने नहीं डोनेट किया, तो आपको दबा दिया गया, दफन कर दिया गया, तो कीड़े मकौड़े खा लेंगे आपको। आपने अगर पारसी तरीके से, जी आपको चीले खा लेंगी। आपको अगर बर्न कर दिया गया हिंदू तरीके से, तो आपके सारे मिनरल्स वापस पानी के अंदर हम बहा देते हैं, गंगा के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? आप जितने मिनरल्स थे आपकी बॉडी के अंदर, जितनी हड्डियां थी, वो वापस आप बन जाओगे। ये नेचर, आप कभी भी यूजलेस नहीं थे मेरे भाई। आप होके तो दिखाओ यूजलेस, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। थैंक यू। आपका वीडियो मिसिंग हो रहा है मैम, आर यू वीडियो स्टिल मिसिंग हो देयर? रहा। यस,
आपका वॉइस आ रहा है मैम? दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू के मैम का वीडियो नहीं आया, जस्ट शी इज देयर। या हेलो मैम, आपका वॉइस मिसिंग है, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा आप चेक करें, आपका वॉइस नहीं मिल रहा है। ओके अब आ रही है? हाँ नाउ यस वॉइस आ रही है मैम। ओके जी अब आ रही है? नाउ वीडियो मिसिंग, दैट्स वंडरफुल मैम, नाइस। ओके हाँ सो नाउ मिसिंग मैम अगेन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अनु मेहता मैम का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है आज आपके साथ शेयर किया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो अपने आप को आपका सिंपैथी लेना चाहते हैं, वो इसलिए कि उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हुए हैं उस लाइफ चैलेंजेस से आप सीखें, आपको लेसन मिले, इसलिए वो अपनी लाइफ आपके लिए डेडिकेट करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं। तो इसलिए आज बहुत बड़ी बात है जी मैम, आ रही है। सो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अनु जी का कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इतनी अच्छी बातें उन्होंने शेयर की हैं और आपको पूरा गाइड कर रही हैं। तो दोस्तों अब मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे वीडियोस को इसको शेयर करें और लाइक करें ताकि बहुत लोग जो डिप्रेशन में है, उनको स्ट्रेस है या लाइफ के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं वो एटलीस्ट हमारी इस वीडियो को एक बार देखें और मैम की इंस्पिरेशन और जो है वो डेफिनेटली उनको इंस्पायर करेगी उस लाइफ को, अपने स्ट्रगल को बढ़ाने के लिए, एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट मैम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं दिशा जी का कि मैम यू आर एज यू नो दैट नाउअडेज टीनेजर्स और एडल्ट आर कमिटेड सुसाइड, सो व्हाट योर ओपिनियन अबाउट देम? ऐसे है लक्ष्मण जी कि सुसाइड, आपकी वॉइस जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है जी, सुसाइड बाय इटसेल्फ कैन बी फॉर वेरियस रीजंस, बीच-बीच में थोड़ा सा मिसिंग हो रही है। ओके अभी ठीक है? ओके ठीक है ठीक है। सुसाइड एक ऐसी चीज है जिसे ऑब्वियसली आई डू नॉट एंडोर्स और मेरे एंडोर्समेंट से कुछ होता नहीं है। अक्सर इंसान जब इतना उदासी में चला जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती, उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी लेना चाहेगा। आप एक छोटे से कीड़े को देखें, आप उसके पीछे भागें और उसे मारने की कोशिश करें, वो कैसे भागता है अपने आप को बचाने के लिए। हमारी सारी स्टोरी जो है ना, वी वांट टू बिलोंग, वी वांट टू सर्वाइव, पर अगर उसके बावजूद कोई अपनी जिंदगी ले रहा है तो उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। दे डोंट हैव फ्रेंड्स, पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स। अगर आपने किसी की वाकई मदद करनी है तो उसके साथ हो जाएं, वेट कर रहे हैं क्या कि आपका नेबर आपको खटखटाएगा आपका दरवाजा और फिर बोलेगा आज मैं उदास हूं? व्हाई नॉट गो कनेक्ट विद पीपल, व्हाई नॉट टॉक टू पीपल? आई मीन वुड दैट बी बेटर देन जस्ट सिटिंग डाउन एंड गिविंग अप ऑन पीपल? रियलिटी ये है कि हम समझना नहीं चाहते कि लोग सुसाइड कमिट क्यों करते हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो वो डील नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक कोई ऐसी सदमा लगा है अंदर तक जो उनकी आइडेंटिटी को उनको अंदर तक झकझोर के जा रहा है, वो उस चीज के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। रियलिटी में कई बार फैमिली मेंबर्स आर द लास्ट वंस टू सी इट, क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर्स से इतना झूठ बोलते हैं कई बार उनको खुश रखने के लिए। और शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि लोगों को समझना तो बहुत आसान है। मेरी मॉम कहती थी एक टीचर 40 बच्चों को संभाल लेती है क्लास में, लेकिन जब घर आती है तो अपने एक बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से मैं शायद यहाँ बैठ के मेरा भाषण देना बहुत आसान है, बट द रियलिटी इज इट इज नॉट ईजी टू सिट डाउन एंड टू डील विद दिस चैलेंज। वी रियली नीड टू डू इज अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ। What we really need to do is understand that it is not an easy situation that people are going through. And counseling and help mangna koi galat kaam nahi hai. Like I said, ki agar aap
अगर आप क्या उसको कहते हैं, अगर आप अपनी ट्यूशन टीचर ले रहे होते तो आप बिल्कुल बुरा नहीं मानते. प्लीज कनेक्ट विद द काउंसलर्स, प्लीज कनेक्ट विद पीपल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. अगर आपको कभी कभार दवाई भी खानी पड़े तो गलत बात नहीं है. क्यों नहीं है ये गलत बात? क्योंकि कई बार केमिकल कॉम्पोजिशन बॉडी की, बॉडी को चाहिए. अगर आपको थायराइड हो जाता है कल, तो आप उसे स्टिग्माटिक तरीके से नहीं देखते हैं. आप उसे ऐसे देख के नहीं बोलते कि ओहो मेरे दामन पे दाग लग गया. पर जैसे ही आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, मैं आपको कल की बात बताती हूँ. एक बहुत प्यारी बिटिया है जो सिर्फ 29-30 ईयर्स की है. उन्होंने अपने लिए सुसाइड का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं कि मुझको तो सुसाइड कमिट करनी है. ओके, आज उनकी शायद लाइफ में जो भी उनकी पर्सनल अड़चने हैं, वो अगर खुल के अपने माँ बाप तक को नहीं बता सकती हैं और वो माँ बाप उसकी बात नहीं सुन सकते हैं और उनको लगे कि ओहो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम जैसे हो वैसे के वैसे ही रहो. कई बार हम अपनी बात अपने सबसे करीब लोगों को नहीं बता सकते. गाइज, एक चीज तो समझ में आ गई है ड्यूरिंग कोरोना वायरस, अपने ही लोगों के साथ, शायद उनके साथ डील करना सबसे बड़ा चैलेंज है. आप अपने चैलेंजेस को घर पे बैठ के अकेले मत समझे अपने आप को. प्लीज 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 सीक फॉर हेल्प, प्लीज सीक फॉर हेल्प, प्लीज सीक फॉर हेल्प. दैट इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. प्लीज सीक फॉर हेल्प. जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आप चले जाते हो तो जो पीछे रह जाते हैं ना, वो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि हम आपको बचा नहीं पाए. शायद उस दिन अगर आपकी बात सुन लेते, शायद अगर. और आई कैन गिव यू सो मेनी केसेस जहाँ पे मुझे लोग कॉल करते हैं जिनके लव्ड वंस ने जान दे दी, अपनी दे दी, तो वो यही कहते हैं कि व्हाट शुड आई हैव डन. उसके बाद आपके जो रिलेटिव्स हैं, ऑटो राइटिंग वाले को पकड़ेंगे, किसी उसको पकड़ेंगे जो कनेक्ट कर सकता है स्पिरिट्स के साथ. उससे अच्छा नहीं है कि जब आपकी बॉडी चल रही है आप तभी जाके कनेक्ट कर लें, थप्पड़ी मार रसीद करेंगे ना. आप अगर प्रेगनेंसी आपकी हो गई है बाय चांस और आप माँ बाप को नहीं बता सकते हैं, तो टॉक टू समवन हु कैन हेल्प यू आउट. जॉब चला गया है और आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, टॉक टू समवन अबाउट इट, फाइंड आउट, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. आपको कोई ऐसी डिजीज हो गई है जिसके बारे में आप बता नहीं सकते किसी को, इसलिए आप सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, टॉक टू समवन अबाउट इट. देयर इज नो गलती that is so big that you have to take your life. There is nothing that is so big that you have to stop living. Thank you. When people even today across the globe after being educated think that mentally if you are not well, इसका मतलब मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ. आप पागल नहीं हुए हैं. आप अगर हेल्प मांग रहे हैं तो आप पागल नहीं हुए हैं. शायद आपकी फैमिली खड़ी है, आपकी वॉइस थोड़ा सा कम आ रही है मैम, नहीं गई है, क्योंकि दे स्टिल बिलीव इन यू, दे आर वेटिंग फॉर यू टू गेट ओके, दे आर वेटिंग फॉर यू टू बी फाइन. डोंट, द बिगेस्ट पनिशमेंट दैट यू कैन गिव योर फैमिली इज not taking care of your mental health and physical health. That's the biggest punishment that you can give your family. दोस्तों इसमें यही कहना चाहेंगे कि life is beautiful. आप उसको जिए और बहुत खूबसूरत है जिंदगी. Challenges आएंगे. अगर life के अंदर challenges नहीं तो life नहीं है. I can't hear you, Lakshman. Right. जी. तो life के challenges को accept करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है काम है. और मैं यही कहूँगा कि बहुत खूबसूरत है लाइफ के चैलेंजेस को लेना, उनको फिलअप करना और जिंदगी को फिट करना बहुत आसान है, लेकिन चैलेंजेस के साथ जीना वो बहुत मज़ा है उसमें. और जब आप उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ते हैं, जैसे अनु मैम का जो फेसेस हुए, उन्होंने आगे क्विट करने के बजाय आगे बढ़ी वो, और उसके बाद आज एक सेलिब्रिटी है आज आपके सामने हैं और बहुत सारे हजारों लोगों की लाइफ उन्होंने चेंज की है. तो ऐसा मौका वापस भी जरूर आएगा.
क्योंकि आप अगर कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो जरूर अपनी फैमिली के बारे में, अपने नियर एंड डियर्स के बारे में जरूर सोचें, और जरूर आपके पास एक होप होती है, अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो बाकी दो रास्ते खोलता भी है, तो इसलिए आप जरूर उन रस्तों को जरूर रहें, लेकिन जरूरत है हमें उन रस्तों को ढूंढने की, उसके लिए कोशिश करने की, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद कोशिश करता है। तो दोस्तों ये बहुत उसमें था, दिशा थैंक यू फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी क्वेश्चन सभी के लिए। सो मैम आपकी आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है ना, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल मैम, हेलो मेरी आवाज आ रही है मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी लक्ष्मण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हियर एनीथिंग दैट यू हेलो, आप देखिए थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके देखिएगा मैम, जरूर वो मिलेगा, आई थिंक आपने शायद, एंड लेट्स होप इट वर्क्स, ओके प्लीज प्लीज। सो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ अनु मैम जुड़ी हुई हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, साथ में आपको भी गाइड कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं सभी लोगों को कि अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे आप वो करें, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को चैलेंजेस फेस किए हैं और कैसे वो एक फॉरेन से यहाँ आई, यहाँ पर उनको कैसे उनको दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, उसके बावजूद बीइंग अ लेडी उन्होंने सरेंडर करने के बजाय चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वहां उन्होंने आगे बढ़कर काम किया, कभी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी है और वो हमेशा एक फाइटर की तरह, एक शोल्डर की तरह काम उसमें जुड़ी रही, दुनिया से टक्कर लेती रही, आज एक मुकाम पर उन्होंने हासिल किया है। तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ अनु मैम को उनकी डेडिकेशन के लिए, उनके इस काम के लिए और वो सोसाइटी के लिए काम करें, इंस्पाइट ऑफ इतने उनको धोखे मिले हैं लेकिन उसके बाद भी वो सोसाइटी के लिए काम कर रही है, बहुत सारी आई नो कि बहुत पुअर लोगों को उन्होंने मदद की है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आई थिंक एक एग्जाम्पल उनका कुछ ड्राइवर थे, उन्होंने भी कमिटेड सोसाइटी के लिए किया था लेकिन आज वो उनका ड्राइवर है, इज हैप्पीली एंजॉयिंग हिज लाइफ और काफी वो कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और है मैम मैं लेता हूँ, एक मिस्टर राजेंद्र हैं, वो कहते हैं मैम माई क्वेश्चन इज टू वर्क नहीं होने के कारण आजकल पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए कुछ बताएं कैसे ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि जो पजल है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जिस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर राजेंद्र जी जैसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके पास जॉब नहीं है या सैलरी कट हो गई है, घर बहुत मुश्किल से चल रहा है, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए है, सो ऊपर से फिर कोरोना का डर आपके मन में बैठा हुआ है, तो उसको कैसे देखती हैं और आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? सर जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि अगर काम नहीं है और पेट पे चूहे कूद रहे हो और फिकर ये हो कि घर में बूढ़े माँ बाप का क्या होगा और बच्चों का क्या होगा, तो उस समय ज्ञान नहीं काम करता, उस टाइम जो चाहिए होता वो जॉब चाहिए होता है, पर आप वेट क्यों कर रहे हैं कि कोई आपको जॉब देगा, क्रिएट कीजिए ना, ये कहना आप बोलोगे कि तेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि क्रिएट करो, क्रिएशन वहां से शुरू होती है जहां से आप पहले डर के ऊपर काम करें, और डर किस चीज का है ये देखिए पहले, लाइक ए सेड फाइंड अ काउंसलर, फाइंड समवन, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बस दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड है ही नहीं सर जी, जब तक आपने लास्ट डे तक जीना है ना एंड आप बुला ही नहीं सकते इसको। तो आपने पूछा कि आपको ध्यान लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप पूजा नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, सर जी जब पेट के अंदर चूहे कूद रहे हो ना तो मेडिटेशन नहीं होती है, पर सिंपल है एक चीज कि अगर आप अपने सांस के ऊपर ध्यान दें, ट्राई कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, ट्राई स्लोइंग डाउन योर ब्रेथ, बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे लोग बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, इनफैक्ट श्री रवि रविशंकर टॉक्स ओनली अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेरे एक दोस्त हैं जो योगा सिखाते हैं और वो एक योगा में कहते हैं कि आप योगा कीजिए और ये ब्रीदिंग सिर्फ आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दें, लाइक टेकिंग इन डीप ब्रेथ एंड व्हेन यू आर रिलीजिंग द ब्रेथ रिमूव इट आउट विद अ नॉइज लाइक हाउ द बम्बलबी मेक्स द नॉइज, सो टेकिंग इन डीप ब्रेथ लाइक दिस एंड डूइंग रिमूविंग इट आउट बाय
रिमूविंग नॉइज लाइक दिस, ब्रीदिंग, दिस हैज वर्क्ड फॉर मी, व्हाट एल्स हैज वर्क्ड फॉर मी, साउंड हैज वर्क्ड फॉर मी, गाने सुने दैट हेल्प्स, साउंड लाइक दिस हेल्प्स फॉर मी. आप जरा आंखें बंद करके एक मिनट के लिए इसकी आवाज सुने. फिर एक नई चीज है जिसको बोलते हैं न्यूरोग्राफिक पेंटिंग्स. अगर आपको न्यूरोग्राफिक पेंटिंग्स के बारे में नहीं पता, यूट्यूब पे जाके देखिए. स्केच पेंस लीजिए, कोई भी कलर्स लीजिए. अगर मंडला ड्राइंग है, प्लेन ड्राइंग भी करेंगे, पुट इट ऑन द कलर्स ऑन द शीट, पुट द कलर्स, स्प्रेड देम आउट, गो इन द मड एंड प्ले. जब तक आप अपने आप को किसी और चीज में नहीं डालोगे, लाइक मैंने बोला, अगर लक्ष्मण जी होते यहाँ, लक्ष्मण जी यहाँ पे हुए और वो ये बोलेंगे जाओ जाके कबड्डी खेलाओ, जाओ जाके क्रिकेट लेके आ जाओ, कुछ तो करो. उस ये भी मेडिटेशन है. किसने आपको कहा कि आंखें बंद करके ही मेडिटेशन होती है? अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रही तो आंखें बंद करके मेडिटेशन करने के बजाय कोई और काम कर लें. आप अपनी बीवी के साथ खाना बना सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके पैर दबा दें, दैट इज अ बेटर मेडिटेशन देन सिटिंग डाउन एंड लुकिंग एंड सेइंग कि मुझे मुझसे मेडिटेशन नहीं होती और फ्रस्ट्रेशन ओवर दैट. सो बेस्ट इज वो करो जिसमें ध्यान लगता है. जब वो करोगे जिसमें ध्यान लगेगा तो वो अपने आप मेडिटेशन हो गई. मेडिटेशन इज अ मेडिकेशन, बट मेडिटेशन इज नथिंग बट टेकिंग एन एक्शन ओवर समथिंग, क्रिएट समथिंग दैट यू फील हैप्पी विद. वो करो जिसमें आपको खुशी मिले और अपने आप खुश रहोगे. थैंक यू. कुछ और नहीं ना, तो बच्चों को उठा के ले आओ मोहल्ले से. अगर वहां से, अगर कोरोना वायरस की वजह से नहीं कर सकते तो जूम कॉल पे आके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो. कुछ तो करो मेरे यार. और पता है, आपके अंदर कोई तो ऐसा हुनर होगा जो आप किसी और को सिखा सकते हो. आपके दिमाग भी बिजी हो जाएगा और माइंड भी बिजी हो जाएगा. लक्ष्मण जी ने भी ऐसे ही किया था. उन्होंने स्पोर्ट्स सिखानी शुरू करी, कोई जरूरी नहीं कि पैसों के लिए किया था, पर वही एक चीज आपकी लाइफलाइन बन जाती है. थैंक यू दोस्तों. बिल्कुल अनु मैम ने जरूर कहा कि आप एक्शन में बिलीव करें, उसका रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा. क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है. तो दोस्तों, हम किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन में है, कुछ भी है आज, ऐसे बेशक कोरोना भी है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां आई हैं लाइफ के अंदर हमारी, अभी भी चल रही हैं. उनमें से एक बीमारी कोरोना भी आप इसको लेकर चलें, और इसको भी जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं उस तरह से आप ट्रीट करें बाकी बीमारियों को. लेकिन साथ में जो लाइफ के गोल्स हैं उसको आप मत छोड़िए. आपके जो भी लाइफ के गोल हैं उन पर फोकस करिए, उनके लिए रस्ते ढूंढिए. आप डेफिनेटली जब आप फोकस करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आपका भी स्ट्रेस है. मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, तो स्पोर्ट्स में जो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने वाली चीज है, जैसे मैम भी सिखाती है, मेडिटेशन भी है, योगा भी है, हर एक का अपना अपना होता है. तो मैं भी यही आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपने जो आपका इंटरेस्ट है अबाउट जॉब को छोड़ के, जो आपका कोई भी हॉबी है, जो जॉब है, आप थोड़ा दिन उस पर फोकस करिए. आपका जब माइंड कूल होने लगेगा, जब आप थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होने लगेगा, आपका माइंड पावर आपको अपने आप ही आपको रास्ता निकाल के दे देगा. जरूरत है माइंड को कूल करने की, ताकि आपका माइंड सही डायरेक्शन में जाए. आपके माइंड की पावर को समझने की जरूरत है, उसके लिए माइंड को कूल करना जरूरी है. सो दोस्तों, आप उससे कभी मत घबराएं. ये सिचुएशन आई है, आगे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन लाइफ में होती हैं. इससे आगे हम बढ़ते हैं. वर्तिका एक क्वेश्चन ले रही है, हाउ कैन आई टेक द, अगर कोई डिसीजन लेना है उसमें, तो उसमें वो डिसीजन कैसे लें? इफ यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस, अगर आपके पास कई सारे डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो रही हैं, तो उसके लिए क्या बेस्ट डिसीजन कैसे ले सकती हैं? सो वर्तिका, आप अगर सेफ होके डिसीजन लेंगी तो आप कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगी. डिसीजन लेने का मतलब ही ये होता है कि रिस्क लेना है. कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं. डाइवोर्स लें कि नहीं लें, घर से बाहर निकल जाएं कि नहीं लें,
ये जॉब छोड़ दें, हमारा बॉस बहुत तंग कर रहा है, तब भी हम यहाँ रहें कि ना रहें, ओहो पैसों की बहुत जरूरत है, या फिर बॉयफ्रेंड हमारा हमें तंग कर रहा है फिर भी हम वहाँ खड़े हैं, हमारा चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, हम अपने बच्चे को कहाँ डालें, क्या हम आज जॉब के लिए चले जाएं, क्या हम कंट्री को छोड़ के चले जाएं, ऑल दीज आर डिसीजंस, पर हर डिसीजन के साथ रिस्क फैक्टर कनेक्टेड होता है, और रिस्क का मतलब है कि आप वो डिसीजन लेना चाहती हैं जिसमें आप अपने आप को सोच लिए कि आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, बट डिसीजन डिसीजन होता है। अगर आप ये सोच के डिसीजन लेंगे कि ओहो व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, ओहो फिर क्या होगा, देन यू विल नेवर टेक अ डिसीजन, यू विल वांट समवन एल्स टू टेक अ डिसीजन। तो डिसीजन जो भी आपने लेना है लीजिए, बेधड़क होके लीजिए, क्या होगा, फेल हो जाओगे, उसके बाद क्या, एनीवे चार डिसीजन से दूसरा ले लेना, बट अगर आप लोगे ही नहीं डिसीजन तो वही खड़े रहोगे जहां खड़े थे। Failure is not a problem. The problem is that you don't want to take a risk and you don't want to take responsibility. क्योंकि आपके decision से शायद आपको लगता है बहुत सारे लोग impact होंगे। कोई बात नहीं, अगर impact नहीं होंगे तो उनके साथ बैठ के उनके साथ चर्चा कर लें कि बॉस मैं ये decision लेने वाली हूँ और इसका ये impact हो सकता है। हो सकता है मैं यहाँ पास हो जाऊँ, हो सकता है नहीं हो। Let's take an example. एक इंसान है जिसकी जॉब चली जाती है, अब वो नया जॉब उसको हो सकता है कि जब बिजनेस खोले तो वो फेल हो जाए, हो सकता है वो पास हो जाए। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स पहली बार आया था तो वो फेल हो गया था, कोको कोला पहली बार आई तो सिर्फ शायद 4 बॉटल्स बिकी थी उनकी। अब इस पे ही अगर वो अपनी पूरी जिंदगी बेस कर लेते तो कोको कोला जैसी बड़ी कंपनी आज होती नहीं यहाँ पे। तो ऐसे डिसीजन हमारी जिंदगी में हमेशा आते हैं। रिस्क लीजिए मैडम, आगे बढ़िए, इतना सोचने में ना निकालें, रिस्क लीजिए, डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए। एक्शन लेते जाएं, अपने आप सक्सेस आपके कदम चूमेगी। थैंक यू जी। वैशाली हमारे साथ जुड़ी हैं। वैशाली है, सिंस द लॉकडाउन आई एम ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्मॉल थिंग्स एंड अननेसेसरीली स्ट्रेसिंग माईसेल्फ, हाउ कैन आई कंट्रोल। पहले तो कंट्रोल करना बंद कर दें, जरा 2 मिनट के लिए अपनी सांसों को कंट्रोल करके देखें, मर जाएंगे आप। तो कंट्रोल करना बंद कर दें और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखना शुरू करें कि ये थॉट्स आ रहे हैं, और उन थॉट्स को भी अगर आ रहे हैं तो उनको भी नेगेटिव बनाना बंद कर दें। सोचिए कि ये थॉट्स आ रहे हैं, इन्होंने तो आना ही है, जो मेहमान की तरह इन्होंने आना ही है, इनको मैं अब देखती हूँ कि एक एक थॉट किस वजह से आ रहा है, क्या व्हाट इज अ रिपीटेड थॉट। जो भी आपका रिपीटेड थॉट है वो आपका माइंडसेट बन गया है, शायद वो बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सो यू आर व्हाट वी कॉल इन मेटा हेल्थ ऑब्सेसिंग, और ऑब्सेशन तब होती है जब हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या है। व्हाट इज एक्चुअली योर माइंड डूइंग, इट्स ट्राइंग टू फाइंड अ प्लान, द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान टू गो अहेड, एंड दैट इज व्हाट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब हम एक ही चीज बार 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 उसी तरीके से करते हैं ताकि हम एक चीज में आगे निकल सकें। आप अपने, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ एक्सरसाइज लेके आइए, कुछ डाइट को ठीक कीजिए, लोगों के साथ कनेक्शंस ठीक कीजिए और अपने थॉट्स आने दें, उनको रोकिए मत, कंट्रोल मत कीजिए। लाइफ एकदम जिंगलाला है, ये भी वक्त निकल जाएगा, ये वक्त हमेशा के लिए नहीं आया है। हाँ, मेरे गुरुज कहते हैं, मेरे मेंटर्स कहते हैं कि ये वक्त कुछ लेने के लिए आया है, और ये कहना आसान है, वाकई ये वक्त कुछ लेने के लिए आया है। किसी का चैन, किसी का सुख, किसी का पैसा, किसी का बच्चा, आपकी वो टेस्टिंग टाइम है कि आप कितना सह सकते हैं। आप ये सोचने के बजाय कि कितना सह सकता हूँ, आप ये सोचिए कि हर दिन कितना जीना है। बस अगर आपने उसके ऊपर अपना दिमाग लगा लिया, you will be absolutely first class. Thank you. बिल्कुल। So दोस्तों, I'm sure कि you are satisfied with the answers. आरती आपको काफी appreciate कर रही हैं। Thank you आरती, आप लोग इनको closely सुन रहे हैं और follow कर रहे हैं। And आरती लिख भी रही हैं, risk लीजिए और आगे बढ़िए, success मिलेगी। तो this is a really सही आरती। ये आपका जो success mantra अनुजी ने दिया है, वो सभी लोग इसको फॉलो करें।
आगे बढ़ें। जी वैशाली, आई थिंक आपको आंसर मिला हुआ है। राजेंद्र अधिकारी जी भी आपको थैंक्स फॉर सजेशन कर रहे हैं। और ममता रानी जुड़ी हैं हमारे साथ। ममता कह रही हैं कि मेडिटेशन का सिंपल वे क्या है, मेडिटेशन का सिंपल सिंपल वे वे ऑफ वो मेडिटेशन। पहले सिंपल वे ऑफ मेडिटेशन से पहले ये कह देते हैं, ये सीख मुझे गणेश टेम्पल में मिली थी कि एक जगह पे रुकना नहीं जी है। जब मैं गणेश टेम्पल जी गई सिद्धि विनायक बॉम्बे में जो है, तो वहां पे पंडित कह रहे थे जी सरकापुड़े, सरकापुड़े मराठी में मतलब होता है आगे चलो, आगे चलो, रुकना ओके। नहीं है। तो मेरे दिमाग में हाँ आया है यार, खुदा के सामने नहीं खड़े हो सकते तो हम तो अपनी शिट में सारा दिन खड़े रहते, हम हमारे गंदे ख्यालों में खड़े रहते हैं। जब खुदा के सामने नहीं खड़े होना है और अगर जी खराब चीजों में नहीं खड़े होना है, तो एक ही चीज है कि आगे बढ़ते रहो, कीप वॉकिंग, कीप मूविंग अहेड। और मेडिटेशन जी थम जाने का मतलब नहीं है। हम अक्सर ये सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करके किसी चीज को पा लेना। आपको किसने कहा आंखें बंद करो, आप आंखें खोल के भी मेडिटेशन कर सकते हो। पहले भी कहा ड्राइंग करो, सफाई करते हुए मेडिटेशन कर सकते हो। आप जब सफाई कर रहे हो ना, ये मैं करती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे सफाई खुद करनी पड़ती है, मेरी मेड है नहीं, क्योंकि कोई अंदर अलाउड नहीं है। तो जब मैं मेरा वैक्यूम क्लीनर चला रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ जितनी मेरी जिंदगी की गंध है ना, वो ये वैक्यूम क्लीनर लेके जा रहा है। मैं जब पोछा लगाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कितनी शाइनिंग कर दी है मैंने मेरी जिंदगी को। खाना बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह मजा आ गया, आज मैंने अपने पेट को वो खाना दिया है जो मैंने बनाया, विद लव आई एम गिविंग इट टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। ये सारी चीजें मेडिटेशन है मैडम, सारी चीजें मेडिटेशन है। आपकी लाइफ ही मेडिटेशन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप अपनी लाइफ को अगर स्माइल करके हर चीज के अंदर खिंचना बंद कर दें और हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करते जाएं। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, पार्लर्स बंद हो गए थे, बाल सफेद होने लगे, तो मैंने हंस के कहा ये भी स्टाइल है। नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, एवरीडे थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट आर वी गोइंग टू ब्लो देम आउट ऑफ प्रोपोर्शन और आर वी गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम। आपकी मेडिटेशन का मतलब है आप हर रोज अपनी जिंदगी से कुछ सीख लो और उससे ही आपकी जिंदगी में बहुत सारा ठहराव और पीस आ जाएगा। मेडिटेशन किस लिए करते हैं, ताकि पीस आए। लेकिन आप अगर इरिटेटेड हैं अपने आप से कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रही हैं, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इरिटेट होना बंद और इंजॉय करना शुरू कीजिए हर चीज में, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे जिंगल आला होती है। थैंक यू। और लाइव जिंगलाला आपकी जरूर होगी। अनु मैम के टिप्स जो दे रही हैं मैम, ऑसम मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ चैतन्य जुड़े हुए मैम। चैतन्य बोले हेलो मैम, लेटली आई सीम टू लॉस कॉन्फिडेंस इन ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स इन माय वर्क। आई एम आल्सो अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट नाउअडेज कंपेरेटिवली टू व्हाट आई यूज टू बिफोर। ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 1 मंथ। तो जाके देखिए चैतन्य, एक लास्ट 1 मंथ में आपकी जिंदगी में क्या चीज ऐसी है जो आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्या ऐसी चीज है जो अलग सी हुई है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। जहां भी जो भी वो प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो गई हो सकता है आपने बॉस ने आपसे इस तरीके से बात करी हो कि आपको प्रमोशन नहीं मिली है, हो सकता है कि आपकी सैलरी कट गई है और आप उसे गलत तरीके से नोटिस कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं शायद मेरा बॉस मेरे से खुंदकी निकाल रहा है। अभी क्या है ना, ये सारे नेगेटिव डायलॉग्स जो हैं हमें स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव डायलॉग्स हमारे को कहीं लेके नहीं जाते। हमारी जिंदगी ना वैसे की वैसे ही चलने वाली है, नेगेटिव थॉट्स के साथ और गड़बड़ होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव सोचना शुरू करो, क्योंकि वो भी कंट्रोल करने वाली बात है, पर भाई मेरे इतने सोचने के बजाय करना शुरू करो। You do, you will not have time to think. आप सोचो ना 1 मिनट के लिए, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच सोच सोच के कि अब ऑन करूंगी अपने आप लाइट आ जाएगी, वो तो नहीं होने वाली। एक्शन तो तुम्हें ही लेना पड़ना है, उठो जाके स्विच को ऑन करो, ऑन हो जाएगा स्विच, आंखें बंद करके तो ऑन नहीं होगा। तो जो एक्शंस आपको लेने हैं वो तो आप लें, वो बहुत जरूरी है। आप एक्शन लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक्शन नहीं लेंगे तो वहीं पे ऑब्सेशन में जाएंगे,
प्लीज अंडरस्टैंड वी आर गेटिंग इनटू ऑब्सेशन बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस अ सेफ प्लेस इन ऑल दिस ड्रामा दैट इज गोइंग ऑन. ये जो ड्रामा जिसमें आप हर रोज सोच रहे हैं कि आप मर जाएंगे बिकॉज कोरोना वायरस, आप ये हो जाएगा, आपको वायरस आपके आगे, आगे पीछे आपको पकड़ लेगा, अंदर चला जाएगा. तो ये जो आपके दिमाग के अंदर वायरस चल रहा है, आपने थ्री इडियट्स में देखा था, उनको वायरस बुलाया जाता था. वायरस का मतलब क्या, वो जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर अगर वो चल रहे हैं तो उनका भी इम्पैक्ट उतना ही गहरा होगा जितना ये वायरस का इम्पैक्ट होगा. तो प्लीज स्टार्ट डूइंग समथिंग, टेक स्मॉल स्टेप्स. बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें कीजिए, लाइफ विल बिकम मच बेटर. थैंक यू. आई होप यू आर हेल्पिंग आउट. सभी से मेरा निवेदन है, कृपया प्लीज रिक्वेस्ट की आप हमारे लाइफ विद इन पेज को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें. यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियोस और अनु मैम का वीडियोस भी हमारे लाइव विद इन चैनल पे रहेगा YouTube पर जल्द ही. और इस आपको इस लाइव को भी शो को भी आपको शेयर करना चाहिए सो दैट अदर आल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए यहाँ लेकर आते हैं लाइव विद इन टॉक शो में. एंड थैंक यू सो मच अनु मैम आपके प्रेसिस टाइम के लिए. और यू हैव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं आप. गीतिका हमारे साथ हैं. गीतिका कह रही हैं कि आई गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स देन आई रिग्रेट लॉसिंग टेंपर. ठीक, लॉसिंग टेंपर जो उनका हो जाता है उसके लिए रिग्रेट भी कर रही हैं. सो निधिका, एक्चुअली गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है, गुस्से को अंदर सप्रेस करना ज्यादा गलत बात है. पर आपको ये समझना चाहिए कि आप जब आपको बाथरूम जाना होता है या नहाना होता है तो आप कहीं तो नहीं खड़े होके नहा लेते ना, कहीं भी खड़े होके बाथरूम नहीं चले जाते है ना, तो आप बाथरूम ढूंढते हैं. इसी तरीके से गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ जाके गुस्सा निकाल सके. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फ्रस्ट्रेशन पिल्लो लीजिए, यहाँ रखिए और जोर से चिल्लाइए, बट डोंट थ्रो योर एंगर ऑन समवन. बिकॉज जब आप अपना गुस्सा किसी और पे फेंकते हैं तो वो इंसान उसी तरीके से जल जाता है जैसे कि किसी के ऊपर लपटे फेंकी हैं. तो यू हैव टू फाइंड अ सेफ प्लेस वे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. ढूंढिए अपने आप के अंदर कि ये गुस्सा किस चीज की वजह से आ रहा है, क्या इरिटेशन है, क्या आपको ये लगता है कि आपने लोगों को चेंज करना है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या आपको ये सारे आपके अंदर अगर ख्यालात चल रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि यार मैंने उनको कैसे चेंज करना है. उसके बदले कैन यू स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड, हो सकता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, यहाँ पे आगे बढ़ने वाला नहीं है, उसे चेंज करना बंद करें और अपनी जिंदगी को वापस वहां पे लेके आए जहाँ पे जरूरत है. सो गुस्सा इज नॉट बैड बट सप्रेशन ऑफ एंगर इज रॉन्ग एंड यू नीड टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. क्योंकि एक्सप्रेशन सही होना और सही जगह पे होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. क्या एक गाना लक्ष्मण जी आपको याद है, एक गाना आपको याद है, गुस्सा एक गाना याद है हिंदी वाला, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा. तो जो गुस्सा करता है प्यार भी वही करता है. बिल्कुल, जिसको जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो प्यार भी उतना करता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो गुस्सा और प्यार खराब नहीं है, बस सही जगह होनी चाहिए. दोनों खराब है लेकिन बैलेंस करना जरूरी है दोनों को. बिल्कुल. तो ये लिख रही मैम, आरती लिख रही है, मी टू सो सैड वी डोंट विश टू बी दिस वे बट गेट इन द ट्रैप. पहले तो जैसे मैंने कहा गुस्सा आना है नॉट अ ट्रैप. तो हैं काफी अप्रिशिएट कर रही हैं, काफी आपसे इंस्पायर भी हैं. आई थिंक आई एम श्योर कि हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं सभी लोग हैं, आई थिंक उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी अपने कैसे माइंड को, क्योंकि ये सारा माइंड गेम है. जितना भी आज का हमारा डिस्कशन है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये सारा माइंड गेम है. अगर जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा, माइंड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमारे माइंड से निकल के आती हैं और उसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर करते हैं. और वो चीज जो है माइंड को अगर मैनेज नहीं करेंगे, माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कई चीजें कई बार वर्स्ट हो जाती हैं, उसको सिचुएशन को हैंडल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है.
तो उसी वजह से हमारी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आगे और ज्यादा शुरू हो जाती है। तो हमें जरूरत है उस चीज को समझने की, उस चीज को कंट्रोल करने की। तो मैम एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है, बहुत आपके वर्कशॉप सेमिनार भी होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे जो है इस चीज से उनको निपटना चाहिए और कैसे कितना स्ट्रॉन्ग इस चीज के लिए उनको होना चाहिए। बेसिकली हमारी जो वुमेन है उनको एम्पावर करने के लिए अगर आप कुछ बता पाए यहाँ पर, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एक माइंड गेम, इसीलिए ये सारा माइंड सेटअप का गेम है। क्योंकि आप कोई कुछ बोलता है, आप उसको साइलेंटली अगर दबा जाते हैं तो आप अपने माइंड को बोल रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, इसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा 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 होता चला जाता है और एक बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो वो सब कैसे उसको आप देखती हैं और कैसे उसके बाद क्या बात बोलना चाहेंगे इसके बारे में? लक्ष्मण जी, बहुत बहुत सही चीज ये है कि हम औरतें अपने आप को विक्टिम समझती हैं, बहुत नाराज हैं आई थिंक औरतें हमारे देश की विद द मेन ऑफ आवर कंट्री, बहुत नाराज हैं। क्यों? क्योंकि शायद किसी ने उनको वो नहीं किया जो करना चाहिए, उनके लिए वो चीजें नहीं लेके आया जो उनको करनी चाहिए, तो हम बड़े नाराज हैं और उस नाराजगी में हमने अपने आप को विक्टिम बना लिया। विक्टिम हम तीन जगहों से बनते हैं। एक सोसाइटी के यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम अबला हैं, हम तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारे को सोसाइटी छोटा करार दे रही है। फिर हम लोग एट पर्सनल लेवल हम अपनी फैमिली के अंदर अपने आप को विक्टिम बना के रखते हैं, एम्पावर नहीं करते अपने आप को, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने आप को एम्पावर कर दिया तो हमारी फैमिली हमें छोड़ के चली जाएगी। समवे दिस विक्टिमहुड इज सर्विंग अस। और तीसरी, हम खुद को ही इतना ज्यादा कमीना और छोटा बना देते हैं कि हम अपने आप में बिलीव नहीं है हमारे को कि हमारी एम्पावरमेंट से हमारे बच्चों की एम्पावरमेंट होगी। और वी कैन नॉट एम्पावर अ वुमन विदाउट एम्पावरिंग द मैन। और कहने में ये आता है कि व्हेन अ मैन इज सक्सेसफुल अ वुमन इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। आई विल से दिस, व्हेन यू आर सक्सेसफुल योर होल फैमिली इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड गॉड इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, योर जनरेशन इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है आदमियों से और आदमियों की एक्सपेक्टेशन जो है औरतों से, that expectation is causing more problem than anything else in this world. अगर हम expectation ये सब छोड़ देते हैं और life को ठीक ठाक ले जाएं, तो life बहुत अच्छी चल सकती है। हम अपने कहीं पे हमने ये victimhood से निकल के अपने गुस्से पे काम करना है। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि women are angry with their husband, but they're not angry with their father, they are not angry with their brother. तो एक इंसान को आप बख्श देते हो, दूसरे को आप पकड़ लेते हो। हो सकता है कि उनकी मम्मी आगे she is scared, she is angry with your father, but you're not angry with your father, or maybe you're angry with your father also. तो इस गुस्से पे काम करना है, इस विक्टिमहुड से बाहर निकलना है। The minute you stop being a victim, and how do you do that? There is a very difference. अगर आप word victim लें तो उसके आप पीछे लिखा होता है I am, और विक्टर लें तो ओ आर। ओ आर मीन्स इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस। विक्टम मीन्स आई एम लाइक दैट ओनली। आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो, आपके अंदर यू हैव द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ये जो कंपैरिजन है ना, दैट आई कैन डू थिंग्स लाइक अ मैन कैन, उसको बंद कर दें। यू आर नॉट सपोज टू बी लाइक अ मैन, यू आर सपोज टू बी वेरी फेमिनाइन एंड ब्यूटिफुल। मेरे फादर मुझसे पूछते थे कई बार, समझ नहीं आई, जब लेडीज आदमियों का काम करने लगती हैं तो आदमियों जैसे ड्रेस क्यों करने लग जाती हैं? शायद हम सोचते हैं कि उसमें सक्सेस है। सक्सेसेस जब आप हाथ पकड़ के पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे दोस्तों के साथ आगे बढ़ सको एंड यू गेट दैट सपोर्ट। असली सक्सेस तब होती है जब आप अपने बारे में सोचने के बजाय किसी और के बारे में सोच के उसको आगे ले जाएं। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। थैंक यू।
मैम एक क्वेश्चन आया है हमारे एक दूसरे ग्रुप से, टिप्स फॉर ओवरकम सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर्स। आई कांट हियर योर वॉइस अगेन लक्ष्मण जी। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल? अनु जी सुन पा रही हैं मुझे आप? गो बैक एंड कम इन अगेन बिकॉज़ आई कांट हियर यू गाइस एट ऑल। हेलो अनु जी, आई थिंक अनुजी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। जस्ट अ मोमेंट हम कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन लेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन हमारे पास और भी आए हैं, वो भी क्वेश्चन हम लोग अभी लेंगे अनु मैम से। दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लाइव विद इन पेज को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि एक यूनिक कॉन्टेंट जो आज हम आपको यहाँ दे रहे हैं और हमारे शो के माध्यम से आपको मिल रहा है, वो आप तक और लोगों तक पहुँचे। तो अनु मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी मैम, एक क्वेश्चन आया है हमारे दूसरे ग्रुप्स में, टिप्स टू वन ओवरकम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। पहले तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को समझ लेते हैं क्या। एंजाइटी का मतलब कि जैसे मैं चाहता हूँ चीजें चलें, वैसे चल नहीं रही हैं। आई एम नॉट एबल टू टेक एक्शन, दिस कॉजेज एंजाइटी, कि जहां पे ना मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, ना मैं चिल्ला पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कह पा रहा हूँ, ना मैं लड़ पा रहा हूँ, यहाँ पे एंजाइटी शुरू होती है। और सोशल एंजाइटी मतलब कि मैं लोगों को मिलने में मुझे घबराहट होती है, या लोगों को, लोग जब मुझसे सवाल पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे गलत तरीके से देखेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। नाउ दिस इज वॉट इज कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी। आजकल तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, आप किसी को मिल ही नहीं रहे हो, तो दिस कैन ऑल्सो कॉज सोशल एंग्जाइटी, क्योंकि उसके बाद जब आप मिलोगे लोगों को तो आपको डर लगेगा। तो सबसे पहले तो आई वुड अगेन से देर आर नो स्मॉल टिप्स फॉर दिस। प्लीज जाके एक थेरेपिस्ट को कनेक्ट करें और उससे बात करें, बिकॉज इसकी जो इतनी सिंपल टिप्स होती तो हर इंसान इस चीज में से बाहर निकल जाता। तो आई ऑफन जोक कि अगर मेरे पास कोई चार्ज्ड वाटर होता और मैं आपको कहती कि मेरे पास चार्ज वाटर है, इसको पानी को अपने सिर पे डाल लो और आप ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल वैसी कहानी होती जैसे मुझे किसी ने कहा था कि तुम 6 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बस सिंपली आप ये कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, उन अपने बचपन में जाके देखिए कि कहाँ पे ये एंग्जाइटी रियली शुरू हुई। अगर वो एंग्जाइटी बचपन के साथ रिलेटेड है या कहाँ से रिलेटेड है, ये पहले पता करना बहुत जरूरी हो जाएगा। जहां से भी इसका रिलेशन है उसको वहां से जड़ से खत्म करना पड़ेगा, ताकि यहाँ आज आपको बिल्कुल कुछ महसूस ना हो। अगेन आई विल गो बैक, प्लीज अपने आप को एक्सप्रेस करें, किसी फ्रेंड के साथ बात करें, कोई तो ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ आप बात करके खुश होंगे। कई लोग हैं कि छुपने की कोशिश करते हैं जब सोशल एंग्जाइटी होती है, देखने वाले को लगता है कि वो सारे काम कर सकते हैं, बाहर वालों को बिल्कुल पता नहीं लगता कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बट अगेन इट कुड बी टू डू विद यू नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू योर मदर और फादर प्रॉपरली। जाके टटोल के देखें, हमेशा प्रॉब्लम्स फाइन ट्यून वहीं तक आके आती हैं कि कहीं ना कहीं किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी ऐसे लव रिलेशन के साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया है, उस रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, आपकी एंजाइटी गुल हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम, टाइम हो रहा है और इसमें मैं भी चाहता हूं कि आपका, क्योंकि आपका नेक्स्ट आपका भी शो शुरू होने वाला है। हाँ तो जी। तो ये एक मैम सिद्धार्थ का क्वेश्चन है मैम। हेलो मैम, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ रिलेटिव्स एक्सपेक्टेशन, लाइक व्हाट दे से अबाउट योर स्टार्टअप एंड यू आर प्लानिंग फॉर। ऐसे है, दोस्तों का और रिलेटिव्स का काम होता है कि आपको टोकते जाएं। वो अपनी तरफ से आपको टोक नहीं रहे हैं, आपको तंग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर सुनते गए तो काम नहीं कर पाओगे। कान बंद कर लो, बाहर कॉटन मिलती है, कानों के अंदर डालें और अपना काम करें। सर अगर आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करने लगे लोगों की जिन्होंने स्टार्टअप कभी नहीं चलाई, तो आपकी बैंड बज जाएगा। बेटर ये है कि गेट इनसाइड योरसेल्फ, get into your work and forget the whole world. You will have to marry your work if you are starting a startup. You will have to invest 24/7 into that work.
24/7 में 7 मिनट भी आपके पास नहीं होने चाहिए किसी की भी एक्सपेक्टेशन सुनने के लिए, सिर्फ आप अपनी और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी बातें सुने और इस टाइम अपना काम करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोगों ने तो कभी खुश होना ही नहीं है, खुदा को भी खुश नहीं कर, खुदा भी खुश नहीं कर पाया है लोगों को, आप क्या खुश कर पाएंगे। वैलिडेशन को छोड़ दें, अपने काम में लगें। थैंक यू वेरी मच मैम। दर्शकों, आज इस शो में आप सभी का जुड़ कर बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन तो और भी हैं हमारे पास, दूसरे ग्रुप से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, हमारा जो टाइम था वो भी एक्सीड हो गया है। थैंक यू सो मच मैम आपके प्रेसियस टाइम के लिए एंड वंडरफुल थॉट्स के लिए, आपके इस एक्सपीरियंस के लिए। आई एम श्योर दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, और जो माइंड के ऊपर और आपके जो भी स्ट्रेस के ऊपर और जो भी आपने आज टॉक दिए हैं, इट्स रियली वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच। लास्ट में आप माइंड पावर के ऊपर एक छोटा सा मैसेज आपका जरूर इसमें लेना चाहेंगे एज अ क्लोजिंग नोट। लक्ष्मण जी, ऐसे है माइंड, अगर हम बात करते हैं माइंड की, तो एक ही बात कहूंगी, स्टॉप माइंडिंग एवरीथिंग, स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। क्योंकि हम इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि हम करते नहीं हैं। आप काम करना शुरू करें, अपने दिमाग को रेस्ट दें थोड़ी देर के लिए, और जो होना है वो होना है, पर आपने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। आपको थकना अलाउड है, गिव अप करना अलाउड नहीं है। आप अपने आप को ये ऑप्शन देंगे ही नहीं, आप आगे बढ़ेंगे और किसी भी चीज के सामने बहुत देर तक खड़े नहीं होंगे, चाहे वो एक्सपेक्टेशन हो, चाहे वो सिद्धि विनायक में खुदा की मूर्ति हो, चाहे वो कोई भी हो। इज्जत सबको दे, वहां खड़े नहीं रहना हमें, बहता पानी ही साफ कहलाए, बस आगे बढ़ना है, चलते रहो और अलविदा मत कहो इस दुनिया को, और अपने आप को भी अलविदा मत कहो, सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल। एक चीज वो जो थ्री इडियट्स में कहते हैं ना, ऑल इज वेल, बस वो करो, ऑल इज वेल, बस ऑल इज एक्चुअली वेल। क्योंकि खुदा, एक चीज बहुत अच्छी मेरे ड्राइवर ने मुझे कही थी, आपको कह देती हूँ आज। एक दिन मैं बहुत उदास बैठी थी और मैंने कहा सब कुछ खत्म हो गया है, तो रमजान मेरे पास आके कहता है क्या खत्म हो गया, बोला ऐसे लग रहा है कि इस महीने ना पैसों की बहुत तंगी आने वाली है। तो कहता है मैडम आपके साथ खुदा नाराज हो सकता है, आपके यहाँ से इतने लोग काम करते हैं, क्या खुदा सबसे नाराज है कि हमारे पेट भी नहीं पालेगा। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी किसके साथ जुड़ी है और आपने किसका पेट पालना है। खुदा अगर उनके साथ खड़ा है तो आपके साथ भी खड़ा है। गॉड इज ऑलवेज देयर, यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली दैट ही इज ऑलवेज देयर। प्लीज गिव अप मत करें, आगे बढ़ें, और काउंसलिंग लेने से प्लीज डरे नहीं। इट यू हैव नॉट बिकम मेंटल, यू हैव बिकम माइंडफुल, यू बिकम माइंडफुल, यू बिकम माइंडफुल, दैट्स ऑल आई विल से। थैंक यू। वंडरफुल मैम, वंडरफुल, रियली अप्रिशिएट मैम। और दोस्तों, जो मैम का जो मूल मंत्र है, नेवर गिव अप, टेक एक्शन। आपका जब तक आप गिव अप नहीं करेंगे तब तक कोई भी कुछ आपके लाइफ के अंदर कोई भी चैलेंजेस नहीं आने वाले। जितने भी चैलेंजेस आएंगे सबको आप फेस करेंगे, उसको करेंगे। मैम का कोट भी है, रिस्पेक्ट क्रिएट्स रिस्पेक्ट, लव क्रिएट्स लव, गिव टू गेट व्हाट यू वांट। सो रियली आप इस थॉट को लेकर चलेंगे, एंड रियली थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट उसमें जरूर हम आपके साथ जुड़ेंगे।